हेल्थ प्लस प्रोग्राम च तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानू लैके चल रहे हां जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसिस एंड रिसर्च, मोगा रोड, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर। इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत सन 2005 विच हुई। ए हस्पताल अपने इलाके विच आज दे समय बहुत वधिया तरीके नाल अपनियां सेवावां दे रहा है। कोरोना काल दौरान भी जेनेसिस इंस्टीट्यूट वालों बहुत ही वधिया तरीके दे नाल ऑनलाइन क्लासेस लगाईयां गईयां। पहलां दी तरह हुण इत्थे ओपीडी भी रोजाना चल रही है। दंदां दे मरीजां लई इह हस्पताल किसे वरदान तों घट नहीं है। आओ तुहानूं लैके चलदे हां जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसिस एंड रिसर्च फिरोजपुर ते करदे हां इत्थों दे स्टाफ दे नाल गल्लबात। सब तो पुराना एक कॉलेज हैगा डेंटल दा और हज़ारों की गिनती विद्यार्थी अज जेनेसिस तो सेवा लैके अपनी अपनी जिंदगी दे विच मुकामां दे विच जिहड़े हैगे आ उह कामयाबी दे नाल काम कर रहे हैं। केवल पंजाब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड दे तकरीबन हरेक देश दे विच जेनेसिस दे पढ़े हुए स्टूडेंट आ जिहड़े उह माण वाली गल है कि उह सेवा अपनी दे रहे हैं। की कहना चाहोगे कि कोविड दा समय आए इन्ने भयंकर जिहदे विच दो साल जिहड़ा हैगा एक तरह के नाल बहुत बड़िया परेशानियों का सामना करना पाया लोगों और भी तुसी इस कॉलेज के ना स्टडी के उत्ते इफेक्ट आन दिता बच्चों के ना उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क के उपर बहुत मुस्तदी के नाल सेवावान जी है इस कॉलेज के चलद रही ना बच्चों की एजुकेशन का बड़ा नुकसान होया कि कहना चाहो। बिल्कुल तुसी सही कह जी जिस तरह 2005 तो ये इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुई सी डेंटल कॉलेज एंड होस्पिटल ये बच्चे 5 साल कोर्स करते हैं तो 5 साल तो बाद BDS डॉक्टर बन के इतों निकलते हैं और बड़ी अच्छी साड़ी पैदाइश है जी इतों निकल रही बाहर बाहर जाके फॉरन में भी बच्चे जोड़े आ काफ़ी सैटल हो चुके हैं। उस तो बाद जो महामारी अपनी आई है कोविड की टाइम तो बच्चे घर चले गए सी असी की किया प्रिंसीपल ने सोचा भी आप इनकी पढ़ाई ना खराब हो तो उन्होंने पढ़ाई असी ऑनलाइन स्टार्ट करती। अज इस टाइम पर अज पहला पेपर है BDS का और MDS का जो कि ऑनलाइन पढ़ के बच्चे पेपर दे रहे हैं और बड़े कंफर्टेबली पेपर दे रहे हैं और साढ़े को बहुत अच्छा एग्जामिनेशन हाल है विद AC फैसिलिटी है और बच्चे बड़े आराम के नाल पेपर दे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी बच्चे को डाउट पैंदा तो साढ़े टीचर अवेलेबल ने और बहुत अच्छे तरीके दे नाल बच्चों तैयारी करवाते हैं और बड़े अच्छे तरीके नाल और बड़े अच्छे डॉक्टर बन के साथ को निकलते हैं और कोविड के टाइम पर असी कोशिश ये की है कि बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल खराब ना हो किसी बच्चे को डाउट भी रह जाता तो वह ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर कर सकता है। उस तो अलावा अगर किसी बच्चे जिदा फस्ट ईयर साढ़े एग्जाम थोड़े लेट ने वो बच्चों की असी प्रैक्टिकल क्लासा में हम ला रहे हैं ताकि किसी बच्चे का कोई नुकसान ना हो कोई प्रॉब्लम ना आए। उस तो अलावा साड़ी OPD चल रही है असी 3 महीने 2020 बंद की सी डेंटल लई OPD हुण वो असी जुलाई तो फिर स्टार्ट करते पिछले साल तो और बड़े अच्छे साढ़े पेशेंट जिन्हें पुराने सारे आके अपना वधिया ट्रीटमेंट करवा रहे और बड़े सैटिस्फाई होके जा रहे हैं और साड़ी अगे यही कामना है कि बच्चे होर आन और साड़ी OPD वधे असी जिन्नी भी वध तो वध
पेशेंट की सेवा कर सकीए और अच्छे तो अच्छे बीडीएस डॉक्टर तैयार कर सकीए, साड़ी यही कामना है। थैंक यू वेरी मच। सर मैनेजमेंट जिहड़ी ये सोचती है कि असी विद्या दा दान कॉलेज खोलिया हैगा और उन्होंने हमेशा यही सोचा कि लोड़वंदां दी सहायता की जाए, समय समय से फ्री जिहड़े हैगे कैंप डेंटल दे लगाए जाण और वो सेवावां जिहड़ी हैगियां मैनेजमेंट ने बहुत वधिया तरीके नाल निभाइया ने और निभा रही है मैनेजमेंट। हमेशा उन्होंने यह नहीं हुंदा कि असी कमर्शलाइजेशन करनी है, इस जगह तो उन्होंने विद्या दे दान दी तरह एजेंसीज नूं अगे वधाया। बिल्कुल जी, इस तरह कि जिदा सा ओपीडी चल रही है, कोई पेशेंट असं कैंप करते हैं पिंड जाके उत्थे असी फ्री चैकअप करते हैं, छोटी मोटी दवाई अगर छोटा मोटा ट्रीटमेंट रहा तो उत्थे ऑन ग्राउंड ही कर दिता जाता है। उस तो अलावा जिहड़े कैंप के साडे पेशेंट आउंदे है और जिहड़े ज़्यादा ही बिल्कुल गरीब है उन्हां तों कोई पैसा नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हां दा ट्रीटमेंट हुंदा और जिहड़े कैंप वाले पेशेंट जिहड़े थोड़े ठीक ने पे कर सकते हैं उन्हों तो बहुत ही घट रेट से लैके सिर्फ जिन्ना मटीरियल चार्जेस सिर्फ वही लिया जाता, उस तो बाद फालतू कोई पैसा नहीं लिया जाता और बड़े अच्छे साडे कैंप चल रहे हैं। असी काफ़ी स्कूल भी कवर किए हैं, वो भी जोड़े बच्चे बिल्कुल कमजोर ने घर तो उन्होंने बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट। कल परसों सा कैंप आया कि अनाथ आलिया फिरोजपुर का, वो साढ़े कोई 64 बच्चों का स्क्रीनिंग की सी, उन्हों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज चल रहा है। सर स्टरलाइजेशन जिदा कि असी देखा कि अज हालांकि कोविड का जोड़ा है कहर बहुत कटिया हुआ है पर बाहर जिदा उन्होंने साडे मास्क भी चैक किए, मास्क लगे हुए थे साढ़े और इस टाइम पर क्योंकि असी चैनल के लिए आवाज़ की फर्क थोड़ा पैंता इस करके असी मास्क ला के तुहानू रिक्वेस्ट करन दे, तुसी भी देखा कि सोशल डिस्टेंस के लिए काफ़ी बहुत दूर बैठ के तुहाडे नाल लोग गल कर सकते हैं। और ये जिहड़ा इस कॉलेज के स्टरलाइजेशन तो पहले दिन तो ही सी क्योंकि हुण तां कोविड आ गया, लेकिन इन्होंने बिल्कुल जो मशीनरी हैगी दंदा का काम आदि तो बंदा कोई कोई होर बीमारी ना लै जाए, वो बारे की कहना चाहो? देखो जी, साडे जिहड़े डॉक्टर है बड़े इहदू वल्लों बड़े कोशिश ने कि कोई भी ट्रीटमेंट जिहड़ा वह विद प्रकोशन किया जाए और वो कर भी रहे हैं। कोविड की वजह थोड़ा एक्सट्रा केयर की जा रही है, ईवन एंट्री गेट से मेन गेट के उत्ते भी स्टरलाइजेशन करते हैं, उस तो बाद जो इंस्ट्रूमेंट है साढ़े वो दो दो बारी स्टरलाइजेशन करके फिर उन्होंने पेशेंट यूज किया ताकि किसी को कोई किसी तो दूसरे बंद बीमारी ना पहुंचे। इस तो अलावा साढ़े डॉक्टर है वो मास्क वगैरह पा के ईवन साढ़े जो पेशेंट भी आते असं कोशिश करते हैं मेन गेट तो कि वो मास्क पा के आन और सोशल डिस्टेंसिंग जो मेनटेन कर और उस तो अलावा जो रिसेप्शन के पेशेंट जाता है उत्थे भी उसकी पूरी कार्यू का टैंपरेचर चैक करके उस तो बाद एंटर किया जाता, जिस पेशेंट का टैंपरेचर ज़्यादा उन्होंने वापस कर दिया जाता या थोड़ी देर रेस्ट करा के दोबारा चैक करके फिर वह ट्रीटमेंट किया जाता, इदा स्टेज में सीधे आके जो ट्रीटमेंट नहीं करते, डॉक्टर बड़ी प्रिकॉशन नाल काम कर रहे हैं। सर थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। कहाँ से आप आकर यहाँ पर अपना सिवाय जो है मैं मोका से हूँ, मेरा 2020 बैच ही है, फर्स्ट ईयर है। कैसा फील कर रहे हो आप? काफ़ी अच्छा, काफ़ी मोटिवेशन मिलते हैं हमें यहाँ पे और काफ़ी तो करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह भी हैं, काफ़ी बड़ा कैंपस है। और उसके साथ साथ जैसे आपका फर्स्ट ईयर ही चल रहा है, जैसा प्रैक्टिकल आपको कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज भी देते हैं, प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिस भी करवाते हैं, सब कुछ होता है। एंजॉइंग है। आप कौन सी स्टेट से यहाँ आए हो, क्या कहना चाहते हैं? केरला से। और केरला से आपने यहाँ ज्वाइन किया? इस कॉलेज की कैसी रेटिंग लगी आपको, कैसा लगा? अच्छा लगा, मैं यहाँ मेम्बिस कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, यहाँ का डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा प्रेशर नहीं है, छोड़ी भी सारे स्टाफ को। और यहाँ का मिस का कैसा आपको लग रहा है, कैसा खाना यहाँ मिल रहा है, कैसे आपके जैसे कोविड का जो एपिडेमिक चल रहा था जिसमें बड़ी प्रेशर सिचुएशन थी, कैसे आप कह रहे हो इस कॉलेज के बारे में क्या कह रहे हो? अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउथ इंडिया से रूम थोड़ा सा प्रॉब्लम वो वाला प्रॉब्लम है, लेकिन क्लीननेस वो सब। जनरली वैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो केरला जाते हैं, आप केरला से पंजाब आए हो, तो कैसी आपकी फीलिंग कैसी है, कैसे आपको यहाँ का ट्रीटमेंट कैसा करते हैं, स्टूडेंट्स को कैसे आपके साथ इंटरेक्शन रहती है? पहला मुझे मुश्किल था, मेरा लैंग्वेज मुझे पता, हिंदी अच्छे तरह नहीं आता उसमें, तो अभी यहाँ आकर मैंने वन ईयर पूरा हो जाएगा नेक्स्ट सितंबर में, उसकी वजह से अभी ठीक हो गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे साउथ इंडिया से है ऐसे डिफ्रेंसिएशन कुछ नहीं है। अच्छा बेटा, कितना महसूस कर रहे हो तुम जेएनसीएस कॉलेज में? बहुत बढ़िया लग रहा है,
ਇੱਥੇ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 24 ਆਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ, ਹੋਸਟਲ ਰਹੋ ਕਿ ਡੇਲੀ ਅਪ ਡਾਊਨ? ਮੈਂ ਹੋਸਟਲਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 24/7 ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਚਲੋ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਾਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਵੀ। ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਊ ਯੂਅਰ ਫੀਲਿੰਗ ਐਟ ਜੈਨਸਿਸ, ਕਿਹੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ? कभी भी कोई भी डाउट ले सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी का माहौल बहुत अच्छा है, एसी हॉल्स हैं, एंड एवरीथिंग इज वेल। और एज फार एज योर मैसेज कंसर्न, क्योंकि आप लोग हॉस्टल हो, कैसा खाना आपको मिल रहा है और हॉस्टल में कैसा एटमॉस्फेयर है, ये लोग हॉस्टल के लिए क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं? मेस का खाना इज वेरी ऑसम, लाइक बाकी कॉलेज से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा है। बार बार मेन्यू चेंज करते हैं, काफ़ी वेराइटीज देते हैं, इट्स वेरी नाइस। मेस का खाना बहुत अच्छा है। एंड रही बात हॉस्टल की, हॉस्टल में आपको अपने हिसाब का रूम मिल जाता है, लाइक एसी चाहिए, बालकनी चाहिए, अटैच्ड वॉशरूम चाहिए। एंड वार्डन इज़ वेरी नाइस, वार्डन भी माहौल बहुत अच्छा रखती है विद दिस। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे आपने जान जान किया? मैं पठानकोट से बिलोंग करती हूँ एंड मैंने काउंसलिंग के थ्रू ज्वाइन किया था। और आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं BDS थर्ड ईयर में। बेटा कैसा स्मेल है यहाँ पर, कल्चरल एक्टिविटीज़ का, गेम्स का, स्टडी का, कैसा एटमॉस्फेयर आपको यहाँ मिल रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, स्टडीज़ का भी एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी। स्पोर्ट्स वीक होता है यहाँ पे, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, कल्चरल फंक्शंस होते हैं, और वहाँ यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत प्रमोट करते हैं। अच्छा फंक्शन। और जैसे आप स्टूडेंट्स हैं जो वो कभी यहाँ बोर महसूस नहीं करते, और यहाँ का हर तरह की जो भी आपका दिल करता है, किसी मीनू के लिए भी दिल करता है कि हमने ये चीज़ खानी है, तो वो भी आप लोग अटैच करके सारा हॉस्टल जो है एक लड़ी में प्रो हुआ है। जैसे मैनेजमेंट यहाँ की बहुत ही कोऑपरेटिव है, कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो वो जब से वो उसको दिला देते हैं। हाँ जी, यहाँ पे जैसे व्रत होते हैं तो व्रत वाला खाना बनता है इन स्टूडेंट्स के लिए, शाम को इवनिंग स्नैक्स बनते हैं, तो मेन्यू 3 टाइम का रेगुलर भी चेंज होता रहता है, वैरायटी मिलती है खाने में। और भी जो चीज़ की सामान की ज़रूरत हो, आप कभी भी किसी को जाकर कह सकते हैं, मैनेजमेंट में या स्टाफ में सब प्रोवाइड कराते हैं। और जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपको साथ में दिया हुआ है, जिसके साथ प्रैक्टिकली आप लोग बहुत आगे चले जाते हैं, इसमें उसके लिए क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, यहाँ पर पेशेंट लोग बहुत हैं और पेशेंट्स करने को मिलते हैं। थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाता है प्री क्लिनिकल से फिर फाइनल ईयर और इंटर्नशिप थर्डली क्लिनिकल है, तो अच्छा पेशेंट हुआ है। वी आर गोइंग टू टॉक विद डॉक्टर प्रमोद जॉन जी, हु इज एज ए प्रिंसिपल ओवर हियर। सर, यू आर वेलकम एट अवर चैनल। थैंक यू। जिस तरह से आपने इस अदारे को एक ऐसा अदारा बनाया है, यहाँ पर बच्चों को मानसिक शारीरिक विकास मिल रहा है और उसके साथ साथ उनको बढ़िया प्रोटीनिशियस जो है खाने मिल रहे हैं, उनका मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसके साथ कल्चरल में भी, ये कॉलेज ऑन टॉप है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इन जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च फिरोजपुर, वी हैव क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंट्री इन द कैंपस, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स इंक्लूडिंग फ्रॉम केरला, सो ऑब्वियसली वी हैव टू कैटर टू मैनी एस्पेक्ट्स इन देयर लाइफ्स। सो नंबर वन इज़ देयर सेफ्टी एंड वेलबींग इन द कैंपस, सो वी प्रोवाइड एक्सलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर द स्टूडेंट्स, वी प्रोवाइड जनरेटर फैसिलिटीज, एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड गुड न्यूट्रिशियस फूड, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच इंटरेस्ट, वेरी मच नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। Not only that, we also take into account the recreational activities in the campus. So there is a gymnasium for the students, and we also have a playground, and students who are interested in games like cricket and football, they can do that.
We are also planning to have a gymnasium in the girls' hostel so that they don't have to go outside to any of the professional gymnasium. So that is in the pipeline. And we also are planning to have a swimming pool in the campus. So these would take care of the recreational activities. And apart from that, we also screen movies once in a week, in the except during the examination time for the students. Sir, as far as practical work is concerned, you are very much concerned about the practical work. The students from Genesis, they have a very clean hand and they have a great practice. What do you say? Dentistry, by definition, it is an art and science. So it means that there are two things in that. The art, that means the hand skill of the student has to be improved. So we have students coming from different backgrounds. Some may have a good artistic skills, some may not have. So we need to train the students in developing good hand skills. So we do that. So the basic clinical, pre-clinical training of the course is intended for developing the hand skills. And after that, we also teach them the science, the aspects of science, that is dentistry. So this is the two components in dentistry. Dentistry is an art as well as it is a science. Everybody knows COVID-19 has changed the entire scenario throughout the world. So we have become more, the new normal has changed. So everybody started wearing masks. Everybody started washing their hands frequently, and socialization is also low. So COVID-19 has changed the lifestyle of people. So obviously, we also have to take that aspect into consideration. So anybody who enters the campus, we are now monitoring the temperature so that we also have a pulse oximeter. So we are monitoring every, because we have three categories of people entering the campus. One is the students, faculty, as well as the patients. So we have to screen everybody so that there is no nobody with active COVID-19 symptoms entering the campus. So we have to ensure that. Apart from that, we also have sanitizers in place in all the departments as well as in common amenity areas, so that they can frequently sanitize their hands. So we follow the SMS principle. So that is it, that we are doing it. Even in, now university examination is going on. So we are seeing to it that the examination halls are sanitized before the students enter in the examination hall. So, and we are also providing masks to free of cost to the students who do not have masks, even though we encourage students to enter the class with mask. So we have all these facilities available. Thank you, sir. As you are aware, in any institution, faculty is the strength. So we have a large number of faculty in the campus. So they cater to the needs of the students, and they are all well experienced and having many years of teaching experience. So as you know, faculty is the strength of any institution. So we have well experienced faculty members in the campus. We have, to start with, we have tutors who are BDS, and we also have MDS faculty. Right from senior lecturers up to the professor level, our senior faculty are highly experienced, and they are, I would say, they are best in the country. So they can give an introduction about the faculty members. Hello, this is Dr. Simapreet Sandhu, and I'm heading the Department of Oral and Maxillofacial Pathology. Thank you. Hello, I'm Dr. Rita Jain. I'm heading the Department of Prosthodontics and Crown and Bridge. I'm having 22 years experience, and in my department, artificial dentures should be given, and artificial prosthesis, any type of prosthesis, either removable or fixed prosthesis, should be given. Okay. Thank you.
Hello, my name is Dr. Shweta Kaushal and I am Associate Professor in Department of Prosthodontics and Crown and Bridge. Thank you. Senior Lecturer in the Department of Prosthodontics. Tejaspreet Kaur, currently I am a lecturer in Oral and Maxillofacial Surgery department. Myself, Dr. Anand Thakur from Department of Pediatric and Preventive Dentistry. I am working here as a senior lecturer. Myself, Dr. Gurinder Singh, Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. I am working as a retail in the Department of Orthodontics. We deal with braces. We create the smiles of people. Hello, good afternoon. I am Dr. Varia from Department of Conservative Dentistry and Endodontics. We deal with the dental pain and all the restorative procedures and all the common procedures regarding the tooth pain and others. So, thank you very much. Yes. I am a reader in the Department of Oral Medicine and Urology. This is the department number 1 in our Genesis Institute of Dental Science and Research. This is the basic department, and every patient whosoever come in the college first visit our department, in which all diagnosis and radiology procedures have been done, and whatever the patient chief complaint, the patient has been referred to the respective department according to the complaint of the patient. Thank you. Hello everyone, myself Dr. Madhusudan. I am working as senior lecturer in the Department of Oral Medicine and Radiology, headed by our honorable principal sir. We deal with all kinds of x-rays and we try to provide the best service and best treatment to the patients in our college. Thank you. Myself Dr. Gaurav Goyal. I am a reader in the Department of Oral Medicine and Radiology. This is under the Genesis Institute of Dental Sciences and Research, Firozpur. ये कॉलेज पूरे पंजाब का बेहतरीन कॉलेज है. पंजाब के नंबर वन डेंटल कॉलेज में से दिस इज़ द बेस्ट डेंटल कॉलेज इन पंजाब. ये हमारी रिसेप्शन है. यहाँ पे सभी पेशेंट्स की रिसिप्ट कटती है. पेशेंट का नाम, फ़ोन नंबर, एज, ईच एंड एवरी डेमोग्राफिक डिटेल यहाँ पे रिकॉर्ड होती है. फिर पेशेंट को एक नंबर डिपार्टमेंट में भेजा जाता है. ये मेडिकल शॉप है जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी के अंडर आती है. इस शॉप में, मेडिकल फार्मेसी में, सारी दवाइयाँ जो डेंटल से रिलेटेड हैं अवेलेबल हैं, और काफ़ी कम दामों में पेशेंट को सर्विसेज दी जाती हैं. ये डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी है. इस डिपार्टमेंट में हर पेशेंट का डायग्नोसिस किया जाता है. जो भी पेशेंट हमारे कॉलेज में आता है उस पेशेंट को यहाँ पर डायग्नोस करके बाकी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में भी भेजा जाता है, ताकि उसका बेहतरीन इलाज हो पाए. हमारे जितने भी पेशेंट हैं सभी का बेस्ट इलाज होता है यहाँ पे, और काफ़ी कम दामों में, जो मार्केट से काफ़ी लेस प्राइस पे है और बेस्ट ट्रीटमेंट है. तो यहाँ पे जितनी भी चेयर्स हैं, ये जितनी भी यहाँ पे 20-25 चेयर पर डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ 9 डिपार्टमेंट हैं जिसमें कम से कम 25-30 चेयर्स हैं. हर डिपार्टमेंट में अपनी स्पेशलिटी है, डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं, सर्जन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिटी के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं. हमारा एडवांस्ड डेंटल क्लिनिक है. यहाँ पे सारी एडवांस्ड जो डेंटल ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो यहाँ पे की जाते हैं, जैसे कि इम्प्लांट्स हैं, लेज़र्स हैं, फेशियल एस्थेटिक्स हैं, वो यहाँ पे किए जाते हैं. जो अभी पंजाब में बहुत कम रीजन्स में अवेलेबल है वो यहाँ इस कॉलेज में अवेलेबल है, ये सारी सर्विसेज. एंड ये सर्विसेज स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स द्वारा प्रोवाइड की जाती है. ये OPG मशीन है, इसको कनाडा में रेडियोग्राफी बोलते हैं, जिसमें पूरे मुँह के एक्सरे एक बारी में लिया जाता है. मैक्सिला, मैंडिबल, अपर जाओ, लोअर जाओ, सारा एक बारी में एक्सरे लेके, दिस इज डिजिटल मशीन, और डिजिटल एक्सरे पेशेंट को दिया जाता है ताकि पेशेंट का डायग्नोसिस प्रॉपरली हो जाए और उसका इलाज उसके अकॉर्डिंग बेस्ट दिया जाए. Myself Poonam Narang. I am the admission coordinator of Genesis Institute of Dental Sciences and Research, Firozpur, Punjab. We have 100 seats of BDS and 16 seats of MDS course. All the admissions of BDS and MDS are done on the basis of NEET examination.
which is applicable for differently applicable for MDS and BDS. We have students from all the states of the country, and Genesis is one of the best dental colleges of Punjab, providing good infrastructure, good academics and good patient care facility to the society.